फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको बिजनेस करना है तो उसमें फार्मा रिटेल, फार्मा होलसेल, पीसीडी थर्ड पार्टी, मेडिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट, सारी तरीके के बिजनेस हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस को आपको एक्सप्रेस लेना जरूरी है। इसमें से ये एक है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कौन से भी मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से मैन्युफैक्चर करके लेके आएंगे और आपके नाम पे वो बेचेंगे, मतलब मार्केटेड बाय योर कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय द अदर कंपनी। ये सिंपल फंड है। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप एक्सपीरियंस होने जरूरी है। हाँ, जरूरी है। लेकिन क्या होता है अगर आप फ्रेशर, एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं? क्योंकि बहुत बार मुझे पूछा गया है कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आपके खुद के ब्रांड आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। इसके लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। इसके लिए ये सिलेक्ट करना आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप अगर फ्रेशर हो तो आप किस तरीके से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आज यही जानेंगे। क्योंकि इतनी डिफिकल्टीज है लेकिन उसको भी ओवरकम करने के बहुत सारे तरीके, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से फ्रेशर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुली रन कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि मैंने बताया मार्केटेड बाय योर कंपनी, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स बहुत ही जरूरी है। कि आपको पहली स्टेप यह है कि आपका मॉलिक्यूल जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से भी कंपनी को आप मैन्युफैक्चर करके लेके आने वाले जो भी प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट आपने डिसाइड किए होने चाहिए। लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास होते तो वो सारे थोड़ी आप ले सकते, लेकिन आपको बहुत ही जरूरी है कि आपको एरिया में, आपके एरिया में जो चल रहा है प्रोडक्ट वही आप वहाँ से मंगाएंगे। मान लीजिए आपकी जो भी एरिया है, जो भी एरिया है उस एरिया की सिटी पकड़िए और उस सिटी के जितने डॉक्टर है पकड़िए, रिटेलर्स देखिए, सर्वे करना पड़ेगा डॉक्टर कितने रिटेलर कितने और वो डॉक्टर की हैबिट क्या है, कौन से प्रोडक्ट लिख रहे हैं। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आपको लिस्ट लेनी होगी और उनसे वो प्रोडक्ट कौन से लिखते हैं उनके पोटेंशियल्स, उनसे डेटा पूरा मिल जाएगा। रिटेलर काउंटर पे जाना है, आप खुद एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ बताइए कि आपके प्रोडक्ट आने वाले हैं तो इस कॉम्बिनेशन के यहाँ पे कौन से डॉक्टर लिखते हैं, कितने लिखते हैं। आपको खुद एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करना होगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑफिशियल काम करना है, आप विदाउट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके 2-4-6 साल आपके बचने वाले ये करने से। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली रिटेलर से सर्वे करना है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो लेनी है एंड देन आपका प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है। ये तो पहला स्टेप हो गया, मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लिए। सेकंड है कि मॉलिक्यूल की क्वांटिटी आपको मिनिमम 300 बॉक्स कम से कम ऑर्डर करने पड़ते, मतलब एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप ऐसे 300 बॉक्स और 2500 बॉटल मिनिमम ऑर्डर करने पड़ते। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का ये क्राइटेरिया है। तो इसके लिए वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट कीजिए जो मॉलिक्यूल आपके एरिया में चलते। अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल बताता हूं। पहला है एंटासिड। एंटासिड में रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन या पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन ये मॉलिक्यूल चलने वाला है। पेन किलर्स में एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल ये नॉर्मली चलने वाला मॉलिक्यूल है। उसके बाद एसिक्लोफेनाक, क्लोरैक्सैक्सोन एंड पैरासिटामोल ये मसल रिलैक्सेंट है, ये भी चलने वाला है पेन किलर्स में। और हायर पेन किलर्स में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये मॉलिक्यूल चलने वाले। उसके बाद एंटीबायोटिक में नॉर्मली जो चलते हैं मॉलिक्यूल वो आते हैं एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लावलोनेट। उसके बाद दूसरा आता है सेपिक्सिन, ये मॉलिक्यूल आपको टैबलेट में, इंजेक्शन में सेप्ट्रेक्जोन और पैरासिटामोल के इंजेक्शन भी आप रख सकते हैं, टैबलेट में भी पैरासिटामोल रखिए नॉर्मली। सिरप चलेगा डेक्स्ट्रोमेजोरपॉन, CPM, क्लोरफिनिरामन मैलियट और फिर टर्बुटेलिन, गोपेंसिन, मेंथॉल ये कप सिरप, ये कॉम्बिनेशन वेट कप का। और उसके बाद पेडियाट्रिक में कप सिरप कौन से, पैरासिटामोल, CPM एंड सेट्रिजिन। उसके बाद पेडियाट्रिक में ओंडेन सेंट्रॉन सिरप लगेगा, पैरासिटामोल सिरप आप रखिए, डाइसाइक्लोमिन का सिरप रखिए, साइप्रोहेप्टेडिन की टैबलेट, साइप्रोहेप्टेडिन का सिरप। इसके बाद आपको एंटी एलर्जी के लिए टैबलेट्स या लोशंस रखने हैं, लोशंस रख सकते हैं आप,
टैबलेट में फ्लूकोनाजोल रखिए, लोशंस में केटोकोनाजोल या फिर सोप में केटोकोनाजोल रखिए। उसके बाद आपके डॉक्टर की कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी कवर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है फिजिशियन की। तो फिजिशियन जो जो लिखते हैं एंटी डायबिटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव, ये एंटी हाइपरटेंसिव में रोजोवास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, या फिर आपको एंटी डायबिटिक में बहुत सारे जस्ट लाइक ग्लाइकोमेट की जो कॉम्बिनेशन है, ग्लाइकोमेट के सारे कॉम्बिनेशन देखिए आप, यूएसवी कंपनी के मोस्ट ऑफ द। इसके बाद एंटी कैंसर, एचआईवी ड्रग्स, ये भी आप रख सकते हैं। आपके एरिया में डॉक्टर कौन से ये देखिए, उसके अकॉर्डिंगली रखिए। लेकिन मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया ना, वो कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जनरल प्रैक्टिशनर है तो मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया वो 101% काम करेंगे। इससे आगे जाके कुछ ना कुछ ओटीसी प्रोडक्ट आप रखिए। उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल्स, जनरली जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है वो आप मैक्सिमम रखिए, वो जाएंगे ओवर द काउंटर। तो ये आपको कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ये आइडिया दी मैंने आपको। अब सर्वे करके उस कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल लेके आना है और वो ऑर्डर करके आपको ब्रांड चलाने हैं खुद के। अब मैंने बताया जो कॉम्बिनेशन, वो आपने जो सर्च किए वो कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन चेक करके कॉम्बिनेशन बन गया होगा, पहली ऑर्डर तो आ गई आपकी। नेक्स्ट काम आपको करना है कि उसकी मार्केटिंग करना है। उसके लिए तगड़ी टीम लगेगी मार्केटिंग की। मार्केटिंग की टीम अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लोग लेने चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस लोग बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस, 5 या 6 साल के एक्सपीरियंस जिनको होते हैं वो आप रखिए। थोड़ा मार्केटिंग में पैसा खर्च कीजिए तो आपके ब्रांड बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग आप किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूटर रखना है। आपको अगर खुद करना है तो खुद सारी चीज़ों के बारे में देखना होगा, क्योंकि डिलीवरी, उनका पेमेंट, रिटेलर का प्रमोशन भी आपको ही करना है। तो आई थिंक आप डिस्ट्रीब्यूटर खुद से अपॉइंट कीजिए, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते समय कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप डालिए, पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि मेडिसिन आपके आएंगे तो उसका आप एक तो एडवांस पेमेंट आप लेंगे, अदरवाइज कुछ डेज फिक्स कीजिए, 7 डेज के बाद आप चेक लेंगे, मैक्सिमम 7 डेज साइट रहेगी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अगर नए बंदे आते तो उनको बहुत सारी साइट मांगते, 15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीने की साइट मांगते। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपका पैसा अटक ना जाए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपने डिस्ट्रीब्यूटर रख लिया, मार्केटिंग टीम रख ली, अब डॉक्टर्स के लिए क्या करना है आपको। डॉक्टर्स को प्रमोशन तो करना ही है, साथ में आपको कुछ ना कुछ नए प्रमोशनल मटेरियल्स आपको उनको प्रोवाइड करने हैं, या फिर उनकी जो पर्सनल जो अचीवमेंट्स अगर किसी ने की तो वो सेलिब्रेट करनी है, उनके पर्सनल मतलब उनके एनिवर्सरी हो गए, बर्थ डेट हो गए, ये सेलिब्रेट करनी है, उनसे अटैचमेंट बढ़ जाएगी डॉक्टर से। और जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप ले रहे हैं, ध्यान रखिए कि वो कम से कम 1 साल तो आपके कंपनी में होने ही चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली मार्केटिंग टीम आपकी चेंज होती है तो कंपनी का रिप्यूटेशन बहुत बैड होता है। इसके लिए एक्सपीरियंस लोग रखेंगे तो वो कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, उनके एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली आप सैलरी भी दे देंगे तो डेफिनेटली ये काम भी करेंगे। और उनसे काम करवाने के लिए उनके ऊपर एक एरिया मैनेजर रखिए, जो कम से कम आपके सिटी में अगर 4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक एरिया मैनेजर लगना ही होना ही चाहिए एक्चुअली, तो वो मॉनिटर करेंगे, उनसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट करेंगे। अब आपकी टीम बढ़ती है, वैसे आप रीजनल मैनेजर रख सकते हैं, जोनल मैनेजर रख सकते हैं, आगे जाके बहुत सारी टीम आप बढ़ा सकते हैं। इनिशियल लेवल पर आपको ये करना है, तो इस तरीके से आपको रन करनी है कंपनी। नेक्स्ट आपको इस चैलेंजेस ये आएंगे कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आपका स्टॉक तो आया आपका फर्स्ट स्टॉक, लेकिन कुछ ऑर्डर्स है, कुछ वही पड़ा है स्टॉक, कुछ नील हो गए और कुछ आधा गया आधा नहीं गया, तो ये स्टॉक मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है। पहले ही 1 हफ्ते पहले कुछ दिन फिक्स कीजिए, 1 महीने का, महीने में 1 ऑर्डर तो आपको जाने ही चाहिए। तो महीने में अगर 21 दिन आप मॉनिटर कीजिए और 21 दिन के बाद जो हफ्ता बचता है वहाँ पर ऑर्डर फिलअप कीजिए। इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इमरजेंसी में मेडिसिन मंगाने की, किसी की ज़्यादा ही डिमांड इमरजेंसी आती है तो वो आप मंगा सकते हैं, लेकिन हर बार आपको स्टॉक में आपका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, कौन सा भी ब्रांड मेंटेन होना चाहिए, किसी की भी ऑर्डर बड़ी कभी भी निकल सकती है। तो कम से कम आपके पास कम से कम 10 बॉक्स चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ, 100 बॉक्स भी लगेंगे तो दिक्कत नहीं है,
100 बॉटल और 10 बॉक्स ये चाहिए आपके स्टॉक में। नॉन मूविंग प्रोडक्ट हो फिर भी चाहिए, लेकिन जब उसकी एक्सपायरी 6 महीने तक आती है, ठीक है, तब वो ऑर्डर देना बंद कीजिए और उसके बाद वो लिक्विडेट कीजिए एंड देन आफ्टर आप ऑर्डर दीजिए, क्योंकि कम से कम 2 साल की कुछ एक्सपायरी रहती है, लेकिन एक्सपायर प्रोडक्ट होने जा रहे हैं तो आप वो मूवमेंट पहले कीजिए और नॉन मूविंग प्रोडक्ट पहले निकालने के बाद फिर वो सारे प्रोडक्ट रन होंगे। एक्चुअली हर एक प्रोडक्ट पे मॉनिटर कीजिए, कौन सा भी प्रोडक्ट रन नहीं हो रहा इसके लिए स्पेशल मीटिंग लीजिए, क्या हो रहा है, कौन से एरिया में नहीं जा रहा है तो दूसरे कौन से एरिया में जा रहा है तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट जाने चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप हर एक महीने में एक मीटिंग अरेंज कीजिए, आपके मार्केटिंग टीम से बात कीजिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम रखिए, अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम रखिए, जिससे आपको प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज किस तरीके से प्रोडक्ट प्रमोट करना है ये चीज़ें ध्यान में आ जाएगी। तो धीरे 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 ये चीज़ें होगी, तो इसके लिए कम से कम 1 साल या 2 साल आपको लर्निंग्स में लग जाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया या फिर आपने सर्वे किया उसी पर काम कीजिए। धीरे धीरे टर्नओवर भले ही कम हो लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है, आपका रिस्क कम से कम होना चाहिए और फिर उसके बाद आप मूव कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बढ़ा सकते हैं, उसके बाद स्टेट भी बढ़ा सकते हैं, कंट्री वाइज कर सकते हैं, इवन यू कैन एक्सपोर्ट ऑल योर प्रोडक्ट्स आल्सो। सो ये चीज़ें आपको करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है, कम से कम समय में आप बेस्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर सकते हैं। तो इसी यही बताना था आप सभी को कि किस तरीके से आप विदाउट एनी काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेके आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत आपको बिजनेस में आती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन मेल अस एट myfarmacareer2@gmail.com, वी विल फर्दर गाइड यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हेल्दी बी हैप्पी।